हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक सुपर डुपर अफोर्डेबल हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल का रिव्यू। गाइस, यस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऑयल का रिव्यू। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो ज्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी अल्स गुडनेस का कैस्ट्रो ऑयल एंड भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल का रिव्यू। आप देख सकते हैं इसको मैंने कितना यूज कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने एक और भी ऑयल मंगाया था, आलमंड, अल्स गुडनेस का आलमंड ऑयल। उसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया, बट जब इस खत्म हो जाएगा पूरा तो उसको भी यूज करूंगी, तो उसका रिव्यू शेयर करूंगी। मैंने एक हॉल वीडियो में शेयर किया था जब मैंने इसको परचेस किया था, उसके बाद से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है। पूरा अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करूंगी कि ये कैसा वर्क करता है कैसा नहीं, क्योंकि इस पे स्पेशली मेंशन किया गया है हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल, तो कैसा है कैसा नहीं फुल डिटेल में शेयर करूंगी। सबसे पहले इसका फुल नेम बता देती हूँ, तो इसका नाम है अल्स गुडनेस कैस्ट्रो एंड भृंगराज हेयर फॉल कंट्रोल हेयर ऑयल। एंड इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाता है 100 ml। प्राइस इज टू अफोर्डेबल गाइस, ओनली 149। ऑफर में आपको और भी कम प्राइस में मिल जाता है जो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। एंड 100 ml का मिल जाता है, इसकी सेल्फ लाइफ है 2 years तक। इसकी इंग्रेडिएंट्स में आपको मिल जाता है ब्राह्मी ऑयल, भृंगराज ऑयल, जोजोबा ऑयल, कैस्ट्रो ऑयल, नीम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई एंड हर्बल फ्रेग्रेंस। जो इसमें जो ब्राह्मी, भृंगराज एंड जोजोबा ऑयल और नीम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सारे हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसमें ना ही कोई पैराबीन, ना ही कोई सल्फेट, कुछ भी ऐसा केमिकल्स इंक्लूडेड नहीं है, जो और भी अच्छी बात है। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, इसकी सेल्फ लाइफ, क्वांटिटी एंड प्राइस सब कुछ बता दिया। इसकी ये क्या क्या क्लेम करता है मैं भी बता देती हूँ। रिड्यूस हेयर फॉल, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। यस, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड जो हेयर फॉल होता है उसको रिड्यूस करता है। तो यही था इसका फुल रिव्यू, बट मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊं तो ये कैसा वर्क करता है कैसा नहीं, मैंने इसको पूरा इतना फिनिश किया है, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू फुल शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो ये मैं वीक में 2 times यूज करती थी एंड ऑल ओवर बोलूँ प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसकी फ्रेग्रेंस में भी ना थोड़ा सा आयुर्वेदिक जैसा फ्रेग्रेंस होता है ना वैसा है। बहुत ही लाइट सा फ्रेग्रेंस है, ऐसा कोई हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही लाइट सा फ्रेग्रेंस है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसकी फ्रेग्रेंस। इसका टेक्सचर काफ़ी सिल्की टाइप का है एंड मैं 2 times वीक में यूज़ करती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। बट इसके साथ साथ मैं शैम्पू यूज़ करती थी, उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल होता था। वो शैम्पू जब से मैंने छोड़ दिया अभी कुछ टाइम से, जिसका मैंने रिव्यू शेयर किया था लॉरियल का, अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि मैं सारा प्रोडक्ट जब यूज़ करती हूँ तभी उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। उस ये यूज़ करती थी, उसके साथ वो शैम्पू यूज़ करती थी, तो थोड़ा सा मुझे कम ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा तो कि शायद ये असर नहीं कर रहा है, लेकिन जब से मैंने वो शैम्पू छोड़ दिया फिर मैं ये ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट की हूँ, तब से मुझे समझ में आया कि ये ऑयल वर्क करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे इसमें लिखा है हेयर फॉल कंट्रोल रिड्यूस, इतना ज़्यादा नहीं करता है, बट हाँ फिर भी ये बहुत कंट्रोल करता है बहुत हद तक। लेकिन आपको प्रॉपर 1 night पहले अच्छे से अप्लाई करके रखो, या 5-6 hours तो अपने हेयर पे ऑयल रहने दो, तभी ज़्यादा वर्क करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिल्की स्मूथ सा है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत थोड़ा बहुत हो रहा हो, आपको कोई अच्छा ऑयल चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कैस्ट्रो ऑयल एंड भृंगराज है। एंड कैस्ट्रो ऑयल एंड भृंगराज तो आपको पता ही हमारे हेयर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपका हेयर फॉल थोड़ा बहुत हो रहा है तो इसको आप जरूर अप्लाई करो, बट अगर आपको एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए आप कुछ और अप्लाई करो। सो यही था मेरा छोटा सा रिव्यू। प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको इसका रिव्यू अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट सा शेयर किया है, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।